हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंच ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही एक टेस्टी सब्जी, बैगन मटर मेथी सब्जी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस है। साथ ही साथ बहुत सारे रिटन रेसिपीज हैं मेरे वेबसाइट pinchofflavors.com पे। देखिए, नीचे लिंक ब्लिंक हो रहा है। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज ये डिलीशियस सी सब्जी बना लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स एग प्लांट लिया है, यानी कि बैगन। अच्छे से धो के इसे इस तरीके से छोटे मीडियम टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसे पानी में भिगो के रखिएगा ताकि काला ना पड़ जाए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिला लेंगे, हम मैरिनेट कर लेंगे इसे। और मैंने मेथी यानी फेनिग्रिक लीव्स को बहुत ही अच्छे से धो के चॉप कर लिया है। 4 कप्स लिया है मैंने यहाँ पे। चलिए, अब इंग्रेडिएंट्स ये सारे लगेंगे, मैं एक एक करके बताते जाऊंगी, आप नोट करते जाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, इसको भी हम डाल देंगे बैगन के अंदर। अब अच्छे से इसको मैरिनेट कर लीजिए। देखिए, मैरिनेट हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल लीजिए, उसमें हमने 6 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आप वेगन हैं तो फिर वेजिटेबल ऑयल यूज़ कीजिए। अब थोड़ा सा स्मोक होगा ऑयल, तो सारे के सारे ब्रिंजल पीसेस डाल दीजिए। मेरा कढ़ाई थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने 2 बैचेस में इसे फ्राई किया है। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते बोथ साइड से, इन्हें मीडियम हीट पे फ्राई कर लीजिए। जैसे कि फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट पे। अब सेम कढ़ाई में आप 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए अगर चाहिए तो। अब 1 टी स्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे राई, और 1 टी स्पून क्यूमिन सीड डालेंगे हम। हींग डालेंगे 1/4 टी स्पून। अब कैरम सीड, अजवाइन 1 टी स्पून, एंड हमें चाहिए फेनल सीड्स 1 टी स्पून। बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक, इस सारे मसाले का एक बहुत ही बढ़िया एरोमा आता है। चलिए, 10 सेकंड तक क्रैकल हो गया। अब 2 टीस्पून गार्लिक चॉप, 1 टीस्पून जिंजर चॉप हमने डाल दिया है। चलिए, सारे चीज़ों को हम सॉटे कर लेंगे 40 सेकंड के लिए। अब मैंने 1 कप ऑनियन चॉप करके लिया था, वो डाल दिया है। फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से स्लाइट लाइट ब्राउन ना हो जाए, मीडियम आंच में ही फ्राई कीजिएगा। 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली चॉप करके डाल दिया है। अच्छा, ग्रीन पीस लिया है 1/2 कप, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है तो इसे हम ऐड करेंगे इसमें। अब 3 मिनट तक के लिए हल्के आंच पे इसे फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा मत पकाइए, नहीं तो ग्रीन जो पीस है वो अपना कलर एकदम येलो कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो चॉप, 1/2 कप लिया है मैंने। जब तक फ्राई करेंगे या सॉटे करेंगे, जब तक ये मशीना हो जाए टोमेटोस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी सब्जी है, रोटी पराठे के साथ में बहुत अच्छा लगता है। 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं इसे, सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। अब जो धो के मैंने चॉप कर ली थी फेनुग्रीक लीफ यानी मेथी, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे हल्के हाथों से इसे कुक करेंगे 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। इसे अच्छे तरह पकाएंगे, उसके बाद अपना फ्राइड ब्रिंजल इसमें हम डाल देंगे। जेंटली मिक्स कीजिए, नहीं तो एग प्लांट यानी कि बैगन टूट भी सकते हैं। बस सब्जी रेडी है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हेल्दी सब्जी है। इसे रोज़ बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस है, ज़रूर बना के खाइएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।